अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हंसी हाजिर फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आपके लिए जो अपने फोर्ड रिव्यू और जो मैं ग्रोसरी प्रोडक्ट की एक आइटम लेकर आता हूँ फोर्ड की, तो मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक कंपनी लेकर आया हूँ। शकरगंज कंपनी है इसकी, जो बहुत ही कन्वीनियंट और इकोनॉमी ऐसे लोगों के लिए जिनका बजट कम होता है, उनके लिए मैं एक दूध लेकर आया हूँ। और दूध मैंने यूज़ किया है, मुझे उसकी क्वालिटी एक अच्छी लगी है, मॉडरेट लगी है। तो बेसिकली टाटा पैक वो का दूध है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये मेरे पास रखा हुआ है। डेली ड्रिंक है ये, डेली प्योर वालों का। ये बेसिकली कंपनी जो है शकरगंज है, तो इसका मैं आज आपके लिए थोड़ी रिव्यू करूँगा, इसके इंग्रेडिएंट्स भी बताऊँगा, इसकी क्वालिटी बताऊँगा, इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, सब चीज़ें बताऊँगा। चलिए दोस्तों इसका रिव्यू शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों जो शकरगंज वालों का डेरी प्योर का रिव्यू शुरू करते हैं। दोस्तों ये टाटा पैक है, तो ऐसे लोग जिनकी आमदनी कम है उनके लिए उन्होंने सहूलत पैक निकाला है। ये मार्केट में इसकी जो प्राइस है 90 से लेके 100 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा। वैसे मैंने 95 रुपीज़ में ख़रीदा है, तो ये बहुत ज़बरदस्त है, मैंने यूज़ किया है, तो इसकी क्वालिटी मॉडरेट है। तो ऐसे लोग जो कन्वीनियंट चाहते हैं, यानी ऐसे लोग जो दूध खुला नहीं ले सकते हैं, तो छोटी फैमिली होती है अक्सर, ये तो खुला दूध होता है तो वो ख़राब हो जाता है पड़ा पड़ा, या 5-6 दिन वो निकाल नहीं सकते। ये डिब्बे वाला ये दूध कन्वीनियंट है, ये आप यूज़ कर सकते हैं, आप पैक होने और 4-5 दिन आप इसे फ्रिज में रख सकते हो, ये ख़राब नहीं होगा। दोस्तों ये देखें, इनका डेरी ड्रिंक लिखा हुआ है इन्होंने ऊपर, और डेरी प्योर है, और इन्होंने यहाँ पर मैंशन किया है डेरी, 100% डेरी है, मिलावट से पाक। देखिए शकरगंज वालों की ये प्रोडक्ट है, क्योंकि शकरगंज वाले और प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। और दोस्तों इधर देखते हैं इसकी इस साइड पे क्या लिखा हुआ है, डेरी प्योर पियो मोर इनका स्लोगन है यहाँ पर। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है प्रोसेस एंड स्पेशली पैक्ड बाय शकरगंज फूड प्रोडक्ट। दोस्तों ये जड़ावाला में जो है, लाहौर के करीब जो है जड़ावाला पर इनका जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहाँ पे ये बना है। और इसके ऊपर क्या है, दूध से हासिल शुदा यहाँ भी लिखा हुआ है, और हलाल प्रोडक्ट है ये, ब्यूरो ऑफ सर्टिफिकेट इसके स्टैंप भी लगी हुई है। और इसके इंग्रेडिएंट्स जो हमने मेन देखने वो हम चेक करते हैं। दोस्तों इसके जो इंग्रेडिएंट्स इन्होंने लिखे हुए हैं, मिल्क सॉलिड्स है इसमें, यानी सूखा दूध इसके अंदर शामिल किया, और डेरी फैट्स हैं, और एमल्सीफायर एंड स्टेबलाइजर है, यानी इन्होंने E4471 यानी इसमें प्रिजर्वेटिव है, ये प्योर नहीं है, हालांकि इन्होंने ऊपर लिखा हुआ है 100% डेरी लिखा हुआ है, लेकिन ये इसके अंदर भी प्रिजर्वेटिव है। इसका टेस्ट मैंने चेक किया है, बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ लगता है, बहुत मिल्की और यमी लगता है। तो इन्होंने एक और नीचे मेंशन किया हुआ है UHT डेरी ड्रिंक, इसका नेट वेट जो है 1 लीटर है, यानी 1000 मिलीलीटर के करीब है ये, पाकिस्तान स्टैंडर्ड की इसके ऊपर स्टैंप भी है। ये जो है स्टैंप गारंटी देता है कि ये एक अच्छी क्वालिटी है पाकिस्तान की, तो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और इन्होंने नीचे भी मेंशन किया सोर्स फ्रॉम मिल्क, और इन्होंने एनर्जी जो है फैक्ट्स भी लिखे हुए हैं कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है, टिपिकल वैल्यू पर 250 मिलीलीटर, यानी एक गिलास अगर आप दूध पीते हैं तो इसके अंदर एनर्जी जो है 130 किलो जूल है, फैट 7.5 ग्राम है, प्रोटीन 4.7 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट्स इसमें 11.1 ग्राम है, कैल्शियम जो है इसमें 200 मिलीग्राम है। और दोस्तों इसकी ये आपको हर तरह के छोटे मोटे जनरल स्टोर और ग्रॉसरी शॉप मॉल मार्ट पे, और बड़ी जो हमारे मॉल होते हैं लाइक पैकेजेस मॉल और एम्पोरियम, वहाँ से भी आपको ईजीली मिल जाएगा। तो ये अच्छी प्रोडक्ट है, तो इसकी कीमत भी कम है, तो आम जो दूध है 150 के करीब वो मिलता है। तो ये आप परचेज़ करें, इसे आप बहुत अच्छी चाय बना सकते हैं, मीठा बना सकते हैं, कोई कस्टर्ड वगैरह बनाना चाहते हैं, खीर बनाना चाहते हैं, फिरनी वगैरह बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त है। मैंने खुद बना के देखा है, तो मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी लगी है। तो दोस्तों इसके जो छोटे पैक्स भी अवेलेबल हैं, 250 मिलीलीटर भी है, हाफ केजी भी आपको मिल जाएगा, यानी हाफ मिली जो होता है 500 मिलीलीटर के करीब, हाफ लीटर के करीब वो भी आपको मिल जाएगा, और ये 1 लीटर का है, तो इजीली आप जाके मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये इसके अंदर दूध के साथ साथ प्रिजर्वेटिव भी शामिल है, ये
प्योर, इसे UHT ट्रेटेड आप मिल्क नहीं कह सकते। इसमें कुछ इसे सेव करने के लिए दूध के अंदर, और जो इसके ये टेट्रा पैक है इसके अंदर सेव करने के लिए कुछ केमिकल्स मिलाने पड़ते ही हैं। तो चलें दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है डेरी प्योर शक्करगंज वालों का दूध का रिव्यू पसंद आया होगा। तो आपने मेरे इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है और शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, आप भी उसे सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को लाजमी आपने हिट करना है ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ या अपडेट करूँ तो आपको मिल जाए, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेगी। तो मुझे इजाज़त दे कि अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।